हेलो नलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे और भी ओल्ड कॉइन्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आप जरूर से देखते रहिए, आपको पूरा पता लग जाएगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ओल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एक्जैक्टली हमें नेक्स्ट बिटकॉइन का जो मूवमेंट है वो कौन से डायरेक्शन के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यह सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो अंदर डिस्कस करेंगे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते। उससे पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बाय एनी मींस, तो आप अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। अभी इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 19,299 के आसपास। तो क्या यहां से हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, या फिर हमें यहां से बिटकॉइन के प्राइस के अंदर और थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन को एग्जैक्टली रेजिस्टेंस जो है वो कहां से मिला, ठीक है? तो रेजिस्टेंस की अगर आप बात करोगे तो एग्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें रेजिस्टेंस जो देखने को मिला है वो मिला है समवेयर अराउंड इसी जोन से, जहां पर ऑलरेडी बिटकॉइन के प्राइस के लिए हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला था 19,647 के आसपास। तो यहां से रेजिस्टेंस लेने के बाद बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें जो है थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। अब इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो प्राइस सिमिलर काइंड ऑफ हमें नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, तो क्या हमें यहां से और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या नहीं? तो बिटकॉइन के प्राइस के लिए सबसे पहले अगर प्राइस सपोर्ट लेगा तो प्राइस वहीं पे सपोर्ट लेगा जहां पर ऑलरेडी प्रीवियस उसने सपोर्ट लेकर रखा हुआ था। जैसे कि इसी जोन को अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पहले प्राइस क्लस्टर हो रहा था ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर, और उसके बाद जो है प्राइस के अंदर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। बट अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस नीचे आएगा तो प्राइस इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अगर BTC यहाँ पर अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। लाइक प्राइस जो हमें समवेयर अराउंड इन जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि होगा समवेयर अराउंड 19,097 एंड लेटर ऑन हमें जो 18,000 के आसपास भी प्राइस देखने को मिल सकता है अगर बिटकॉइन के प्राइस इस जोन को सस्टेन नहीं कर पाता है तो, ठीक है? तो यहां से यहां तक जो मूवमेंट हुआ है इट्स नॉट ए बुल रैली और एनीथिंग। यहां पर क्या हुआ है कि प्राइस एक ही जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहां से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे तुरंत हमें फिर से प्राइस के अंदर जो है एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते हुए मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे फॉर नाउ प्राइस और भी थोड़ा नीचे आ सकता है, लाइक इसी जोन के आसपास 19,172 जो कि हमारा यहां पर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, इसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर अभी इस टाइम पे बिटकॉइन प्राइस के लिए हमें एक सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो आई होप सो कि आपको यहां पर बातें समझ में आ रही होगी कि एग्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली क्या हम अभी इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं, यानी तो 1 आवर में ये जो कैंडल है, ये कैंडल अगर इसी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जो है अपना यहाँ पर क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ से जो है एक अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। क्योंकि अगर बिटकॉइन 19,000 यहाँ पर ये जो जोन है 19,300 के आसपास इसी जोन के ऊपर अगर हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिलता है तो यहाँ से हम एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं, यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी इजिली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में और जानते हैं कि इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे अगर आप इथेरियम के प्राइस को भी देखोगे तो इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। लाइक इथेरियम के प्राइस हमें समवेयर अराउंड 1,100 के आसपास जो जोन है इसी जोन के आसपास देखने को मिला था, 1,367 के आसपास हमें इथेरियम के प्राइस भी देखने को मिला था। अब इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस के लिए एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो प्राइस अपना जो मेजर सपोर्ट है समवेयर अराउंड 1,344 के आसपास इसी जोन के आसपास जो है अपना हीट कर रहा है, और यहां पर अगर ये जोन ब्रेक होता है इथेरियम के लिए तो यहां से हमें प्राइस के अंदर अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो अभी सेम इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगा, लाइक प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है एंड लेटर ऑन अगर प्राइस इस जोन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता है 1,386 के आसपास, तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें नेक्स्ट इथेरियम के प्राइस 1,306 एंड लेटर ऑन हमें 1,289 के आसपास बिजली देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और बाकी यहाँ पर इथेरियम के लिए मैं आप सबको यही रिकमेंड एंड सजेशन मैं यही दूंगा कि इथेरियम के अंदर अभी इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग पोजीशन करने जा रहे हो तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आप लॉन्ग पोजीशन के अंदर मत जाओ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस ने रैली कर चुका है। तो अभी इस टाइम पे प्राइस अगर थोड़ा ऊपर भी जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि सेलिंग प्रेशर हमें जो है इस लेवल के ऊपर फिर से बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको मार्क करके बता देता हूँ 1,368 के आसपास। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ से हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, तो अभी इस टाइम पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है 1,344 के आसपास। तो यहाँ पर कुछ बंदे अपना बाई करके रखेंगे और
पर जब प्राइस इस जोन के आसपास अप्रोच करेगा तो सबको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ऑलरेडी एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो इस फोमो के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग भी हमें देखने को मिलेगा, तो इसके चलते हुए हो सकता है कि प्राइस हमें बहुत ज्यादा नीचे देखने को मिल जाए। तो बाकी यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हो, शॉर्ट साइड में इथेरियम को देखना चाह रहे हो, तो मेरे हिसाब से इस जोन को आप कंसिडर कर सकते हो 1384 के आसपास, और यहाँ से आप अपना शॉर्ट पोजिशन ओपन करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। भाई तो ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन एंड थॉट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आप कुछ भी एक्शन ले रहे हो, आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च करना, क्योंकि एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपका ही होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि एक्जैक्टली अगर इथेरियम के प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो प्राइस हमें कौन से लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा तो डायरेक्टली हमें प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा 1357, एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है 1340, एंड आफ्टर दैट हमें इसी जोन के आसपास भी देखने को मिलेगा। तो काइंड ऑफ अप 2-3% तक का प्रॉफिट जो है यहाँ पर इजीली ले सकते हो इथेरियम के अंदर, अगर आप इसी जोन से अपना शॉर्ट पोजिशन ओपन करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर अगर आप एक ही एंट्री में शॉर्ट करना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर जो है DCA करनी है, यानी कि आपको पार्ट्स में अपना एंट्री लेनी है। लेट सपोज कि आपके पास अगर $5 भी है तो $5 को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देनी है, 2.5 करके आपको 2 टाइम्स एंट्री लेनी है, ताकि जो है आपका एवरेज एंट्री यहाँ पर थोड़ा कम हो जाए। और बाकी अगर अनफॉर्चुनेटली फेकआउट के कारण प्राइस ऊपर भी चला जाए, दैट केस आप अपना यहाँ पर जो है एवरेज एंट्री के अकॉर्डिंग अपना स्मॉल लॉस के साथ या फिर ब्रेक इवन में आप अपना पोजिशन को एग्जिट भी कर पाओ, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले BNB कॉइन के बारे में। तो BNB के अगर आप प्राइस को देखो तो BNB के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। लाइक BNB का प्राइस हमें समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास भी कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा था, जो कि है समवेयर अराउंड यहाँ पर, ठीक है, 268.8 के आसपास। और यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट है देखने को मिला रहा। अभी इस टाइम पे प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 273.7 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमें BNB के प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा या नहीं? तो BNB का प्राइस अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है 273.7, इसी जोन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ से मल्टीपल टाइम्स हमें BNB के प्राइस के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिला है। और ये जो जोन है जिस जोन के आसपास अभी इस टाइम पे BNB अपना सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं, एक मेजर रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी जोन से जब भी BNB ने रेजिस्टेंस लिया लेटर ऑन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे ये जो जोन है 273 के आसपास, यहाँ पर अगर BNB अपना सपोर्ट सस्टेन कर लेता है वेल एंड गुड, यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर सपोर्ट सस्टेन नहीं हो पाता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फिर से इसी जोन के आसपास प्राइस हमें देखने को मिलेगा, जो कि होगा सबसे पहले इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें प्राइस देखने को मिलेगा। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे ड्रॉप डाउन हुआ तो सबसे पहले हमें समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा 270 के आसपास, एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है इन जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो BNB के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि BNB मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो किसी भी कॉइन को परचेस करना, तो फिर BNB को आप स्मॉल अमाउंट में अपना स्पॉट वॉलेट में जरूर से रख सकते हो। आने वाले टाइम में ये आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट भी बनाकर दे सकता है, ठीक है। बाकी अगर अभी इस टाइम पे अगर आप ट्रेडिंग का कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो BNB के अंदर, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अभी यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकआउट पर आप अपना यहाँ पर ब्रेकडाउन पर आप अपना ट्रेड ले सकते हो, और यहाँ पर इसी जोन के ऊपर सपोर्ट सस्टेन कन्फर्म होने के बाद भी आप अपना ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा और इसी जोन को फॉलो करना पड़ेगा जो कि है 273 के आसपास। इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर आप फॉर श्योर शॉर्ट साइड के लिए भी जा सकते हो। बाकी यहां पर अपना अगर सपोर्ट सस्टेन करता है तो यहां से आप जो है अपना लॉन्ग पोजीशन को भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।